सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी की। यहाँ पर देखिए 21 से 23 पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। 21 से 23 तक पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साथ ही साथ कई द्विपक्षीय बैठक होने की भी संभावना है। इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा उनके गृहनगर विल्मिंगटन में आयोजित किए गए क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। मैं क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री अल्बनीज और प्रधानमंत्री किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। तो देखिए पीएम मोदी का अमेरिका दौरा है और प्रधानमंत्री मोदी अभी तक के अगर तमाम पीएम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बार अमेरिका गए हैं। एक बार फिर से पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा और यहाँ पर बड़े नेताओं के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों पर बात होगी, अमेरिका भारत के रिश्तों को और कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पूरी जानकारी भी दी थी। लेकिन देखिए क्वाड से पहले चीन के सुर बदले नजर आए। चीन ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं। भारत में चीन के राजदूत जू फेई होंग ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण आम सहमति पर पहुंचे हैं, जिसका अर्थ है कि दोनों देश प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी है और विकास भागीदार है, न कि खतरा। चीन और भारत दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देश हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की नीति को आगे बढ़ाया। चलिए बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने मेंढर और सुरंगकोट में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को डर है, जिससे कि सीमा पर शांति है। उन्होंने कहा कि पहले के शासक पाकिस्तान से डरते थे, लेकिन अब पाकिस्तान मोदी से डरता है। सरकार जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियों में बंदूकों की गूंज नहीं होने देगी और युवाओं के हाथों में लैपटॉप देकर आतंकवाद का सफाया करेगी। शाह केंद्र शासित प्रदेश के पुंछ जिले के सीमावर्ती इलाके में बीजेपी उम्मीदवार मुर्तजा खान के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 3 परिवार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये चुनाव गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती की राजनीति को खत्म करने। मैं आपको कहना चाहता हूँ, 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग है, याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहाँ के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है, नरेंद्र मोदी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की घोषणा की, जहां हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम ने एक पोस्ट किया और उसमें कहा कि वो 26 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे नमो ऐप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। पीएम ने एक्स पर एक लिंक भी साझा किया है और मेरा बूथ सबसे मजबूत इंटरेक्टिव सत्र से पहले समर्थकों से सवाल और सुझाव मांगे गए हैं। देखिए खबर हरियाणा की सियासत से ही जुड़ी हुई है। हरियाणा में कुमारी सैलजा को लेकर इस वक्त सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर तक दे दिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में कहा कि बहन कुमारी सैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है, हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला और कहा कि पार्टी के दलित नेता कुमारी सैलजा का अपमान हुआ। उन्होंने कहा सैलजा को गालियां तक दी गई हैं और अब वो घर बैठी हैं। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस अपमान के बावजूद उन्हें कोई शर्म नहीं आई। आज एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि आखिर क्या करें। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में होगा और राजनिवास भी होगा, साथ ही उनका मंत्री परिषद भी शपथ ग्रहण करेगा। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। 4 पुराने मंत्रियों गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन के अलावा कैबिनेट के नए चेहरे के रूप में सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश कुमार अहलावत भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट में मंत्री का छठा पद खाली रहेगा। माना जा रहा है कि 4 पूर्व मंत्री उन्हीं विभागों का जिम्मा संभालेंगे जो पहले से उनके पास थे और वहीं मुकेश अहलावत को समाज कल्याण और श्रम एवं रोजगार समेत कुछ मंत्रालय सौंपे जा सकते हैं। आतिशी के पास भी दिल्ली सरकार के कुछ अहम विभाग रहेंगे।
वहीं राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने लखनऊ में जोरदार प्रोटेस्ट किया। पार्टी के नेताओं ने सड़क पर उतरकर राहुल के आरक्षण संबंधी बयान का विरोध किया। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे। एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर के अपनी बात वो रख रहे थे। उनका कहना था कि बीजेपी ने इसे देश के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ बताया और राहुल पर निशाना साधा। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर के विरोध करते हुए नजर आई। नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। अपने बयान के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की गई। घटना ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। अब ये मुद्दा आगामी चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बीजेपी ने राहुल के स्टेटमेंट को देश के लिए हानिकारक बताया। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसी बीच अब वीएचपी ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ी मांग की है और कहा कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी का कथित इस्तेमाल असहनीय है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की कि आंध्र प्रदेश सरकार मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन हिंदू समाज को ही सौंपे। अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के बजरंग बांगड़ा ने देश भर में सभी मंदिरों को हिंदुओं के अन्य देवालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की भी मांग की है और तिरुपति मंदिर के प्रसाद को अपवित्र करने में कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। और देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया और यहाँ राजस्थान सरकार ने राज्य के बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के तहत राजस्थान में बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच होगी। भजनलाल सरकार ने मंदिरों के प्रसाद की जांच के आदेश दिए हैं और सरकार के इस आदेश अनुसार 23 से 26 सितंबर के बीच में यह जांच पूरी होनी चाहिए। बता दें कि 14 मंदिरों के पास सर्टिफिकेट है। ऐसे में आदेश के बाद बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच का अभियान भी शुरू किया जाएगा। देखिए तिरुपति मंदिर में लड्डू के प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने की बात से हंगामा मच गया है और अब नंदिनी ब्रांड ने तिरुपति को भेजे जाने वाले घी में मिलावट या किसी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विशेष सावधानियां बरती है। इसके लिए नंदिनी घी ने ले जाने वाले टैंकरों में GPS और इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई है और ये तकनीक सुनिश्चित करेगी कि टैंकर की यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में डेयरी उत्पादों का नंदिनी एक विश्वसनीय नाम है और नंदिनी दूध और घी अपनी हाई क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है और इनकी मांग दक्षिण भारत में काफ़ी अधिक है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीडीडी के ये भी नंदिनी ब्रांड की घी वर्षों से पहली पसंद रखी है। वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरों पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रसाद को लेकर हिंदुओं की गहरी आस्था होती है लेकिन मिलावट की खबरें श्रद्धालुओं के बीच शंका उत्पन्न करती है। वाराणसी के दौरे का जिक्र करते हुए कोविंद ने कहा कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर पाया लेकिन मेरे कुछ सहयोगी मंदिर गए थे, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। उस समय मुझे तिरुपति मंदिर की मिलावट की खबरें याद आ गईं। ये समस्या सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं हो सकती, ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है। कोविंद ने मिलावट को पाप बताते हुए कहा कि मिलावट तो पाप है और हिंदू शास्त्रों में भी इसे पाप ही कहा गया है। और कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का बड़ा खुलासा। आर्जिकर अस्पताल में मंगाई जाती थी घटिया दवाएं, ये आरोप लगाया गया है। आर्जिकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने शिकायत की है कि अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के टेन्योर में निम्न गुणवत्ता की दवाएं मंगाई जाती थी और इन्हीं के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की जाती थी। उनकी शिकायत ये भी है कि निम्न गुणवत्ता की एंटीबायोटिक दवाएं काम न करने की वजह से कई मरीजों की मौत भी हुई। आगे वो कहते हैं कि संदीप घोष से गंदी दवाओं को इसको लेकर शिकायत की गई। वो परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे, फोन पर उन्हें मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम का कहना है कि जब भी इस तरह की शिकायतें मिली तो संबंधित दवाओं की जांच कराई गई है लेकिन गलत रिपोर्ट नहीं मिली। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार CBI भी जांच कर रही है जो वित्तीय अनियमितता का केस है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी पटना में NIT की। एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। मृतका की पहचान आंध्र प्रदेश निवासी पल्लवी रेड्डी के रूप में हुई है। ये घटना शुक्रवार देर रात की है और घटना की जानकारी जैसे ही मिली NIT के बेहटा और पटना कैंपस में छात्रों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। पटना में आक्रोशित छात्र अकेडमिक ब्लॉक के सामने पहुंच गए और वी वांट जस्टिस के नारे लगाने लगे और जमकर हंगामा किया। इधर बेहटा कैंपस में छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जानकारी मिलते ही सुरक्षा कर्मियों ने पल्लवी का कमरा बंद कर दिया, किसी ने उसका पल्स तक चेक नहीं किया, उसे डॉक्टर के यहां तक ले जाने की किसी ने जहमत नहीं उठाई, हम लोगों को भी अंदर जाने नहीं दिया गया और कमरे में बंद कर दिया गया और इसी कारण से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, बात अब मुंबई के धारावी की करेंगे जहां मस्जिद के अवैध पाठ को तोड़ने को लेकर तनाव फैल गया।
बीएमसी की टीम वहां पहुंची अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए, लेकिन भीड़ ने हंगामा कर दिया। लोग रास्ते पर बैठकर आंदोलन करते नजर आए। तस्वीरें देखें। कार्रवाई करने पहुंची नगरपालिका की गाड़ी से कुछ अन्य गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। धारावी में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस अधिकारी बीएमसी अधिकारियों के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय के नेताओं के से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दरअसल मुंबई के धारावी में 90 फीट रोड पर 25 साल पुरानी सुभानिया मस्जिद को बीएमसी ने अनाधिकृत बताया था और इसे आज गिराया जाना था, तो वही मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद बहुत पुरानी। अब बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने 22 सितंबर को ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश में 25-26 सितंबर को राज्य में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। बिजली गिरने का अलर्ट है। यूपी के 21 जिलों में 500 से ज्यादा गांवों में बाढ़ को लेकर के हालात बने हुए हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, सरयू जैसी नदियां भी उफान पर है। दिल्ली में बारिश के बंद होने के बाद एयर पोल्यूशन से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई। एमपी में विदाई से पहले ही मॉनसून एक बार फिर बरसेगा। 24 सितंबर से प्रदेश में बारिश का एक और दौर शुरू होगा। नहीं, गुजरात के सूरत में ट्रेल पड़ताली की साजिश की गई है। ट्रैक पर लगी फिश प्लेट और चाबियां खोलकर फेंक दी गई। समय रहते जानकारी मिलने के बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा हादसा टाला गया। ट्रैक की मरम्मत का रूट को फिर से चालू कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा डिवीजन का मामला है। जब ट्रैकमैन सुबह 5:40 पर ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए गया, तब उसने देखा कि ट्रैक पर फिश प्लेट को खोलकर चाबियों को साइड में फेंका गया है। पूरी घटना की जानकारी स्टेशन मास्टर और फिर आरपीएफ को दी गई। जल्द से जल्द ट्रैक को दुरुस्त किया गया ताकि ट्रेनों का संचालन रुके ना। कोई बड़ा हादसा होते होते यहाँ टला। घटना की लोकेशन कोसाम्बा जंक्शन रेलवे स्टेशन की है, जो गुजरात के सूरत में पड़ता है, वडोदरा डिवीजन। और वहीं देखिए, बिहार के कटिहार में भीड़ ने साइकिल चोरी के आरोप में 3 लोगों को बुरी तरीके से पीटा। हिंसक भीड़ की पिटाई से एक शख्स की मौत भी हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। गांव के सरपंच सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मामले की जांच लगातार जारी है। लेकिन घटना से इलाके में दहशत है। घटना जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र के फुलवरिया वार्ड नंबर 4 की है। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर 4 नामजद सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया है और अब इस पूरे मामले में जांच जारी है। बढ़ते आगे और इसराइल की अब बात करेंगे, जहां इसराइल के आतंकी संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक जारी है। इसराइल के एक अधिकारी ने कहा कि बेरूत पर इसराइली हमले में हिजबुल्ला के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इब्राहिम अकील को निशाना बनाया जा रहा है और इसराइल ने दावा किया कि बेरूत पर किए गए हवाई हमलों में हिजबुल्ला का वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इब्राहिम अकील मारा गया है। अकील हिजबुल्ला की राडबान फोर्स और समूह के सर्वोच्च सैन्य संस्था जिहाद काउंसिल के प्रमुख के रूप में काम कर चुका है। इस बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि बेरूत पर इसराइली हमले में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की जानकारी है और 59 लोग इसमें घायल हुए हैं। बात हिमाचल की राजधानी शिमला की, जहां पर शुरू हुआ मस्जिद निर्माण पर विवाद भी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब ताजा तस्वीरें सिरमौर के शिलाई से सामने आई। यहां पर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने वक्फ बोर्ड और प्रवासी तथा बाजारियों के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संजौली में शुरू हुए विवाद के बाद भी प्रदेश भर में ऐसे प्रदर्शनों की आशंका पहले से थी। ऐसे में सभी जिलों को अलर्ट पर कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन से खबर, जहां कुएं में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के डेड बॉडीज को बाहर निकाला। खरगोन में 3 बच्चे नहाने के लिए कुएं में गए थे, 2 बच्चे डूब गए और जानकारी यह है कि बिस्तान थाना क्षेत्र के डाबला वारती फलिया गाँव में रहने वाले रूपेश, राहुल और सुंदरलाल कुएं में नहाने गए थे। सुंदरलाल नहाने के बाद कुएं से बाहर आ गया, जबकि रूपेश और राहुल नहाते समय डूब गए। खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची, दोनों बच्चों की डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी के कूड़े के पहाड़ों को हटाने की समय सीमा अपने तय समय से 5 से 6 साल देरी से हो पाएगी। स्थायी समिति का गठन ना होने के कारण से अब कूड़े के पहाड़ों को खत्म की जो समय सीमा थी वो बदल गई है। यानी दिल्ली वालों को इस बदबू से अभी और निजात नहीं मिलेगी, इसे और झेलना होगा। निगम ने 3 लैंडफिल साइट्स को खत्म करने की समय सीमा दिसंबर 2028 रखी, जबकि इससे पहले ओखला लैंडफिल की समय सीमा दिसंबर 2024 और फलसवा की समय सीमा दिसंबर 2025 और गाजीपुर की समय सीमा 2026 रखी गई थी।
दरअसल स्थायी समिति का गठन ना होने और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से लेकर लैंडफिल पर पड़े कूड़े का निस्तारण करने की मंजूरी ना मिलने के कारण से ये देरी हुई है। इसलिए निगम ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जो तीनों लैंडफिल है उसके खत्म करने की समय सीमा दिसंबर 2028 कर दिया। ओखला और भलसवा पर कूड़ा निस्तारण के लिए लगी एजेंसी का कार्य बीते माह ही पूरा हो चुका है। ऐसे में नया कूड़ा निस्तारण का कोई भी कार्य अब भलसवा लैंडफिल साइट पर नहीं चल रहा। तो बड़ी खबर आपको बताते चले नोएडा से, जहां नोएडा की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों ने करीब 3 महीने पहले एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान इन्होंने महिला से करीब 45 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस बीते 3 महीने से लगातार इनकी तलाश कर रही थी। दरअसल साइबर थाना नोएडा ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डिजिटल अरेस्ट कर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी ठगी करने वाले 3 आरोपी नितेश कुमार, गुगन और संजय को रेवाड़ी हरियाणा से गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कार चालक की लापरवाही और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से एक 23 साल के युवक की मौत हो गई और इस पूरे मामले में मृतक की माँ पुलिस से बार बार सवाल पूछ रही है। अगर पुलिसकर्मी का बेटा मरता तो क्या 30 मिनट में मिलती आरोपी को बेल? ये सवाल पूछा जा रहा है। आरोपी को जमानत मिलने पर अक्षत की माँ बेहद नाराज है। उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की और पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाया। मृतक की पहचान अक्षत गर्ग के तौर पर हुई है। हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसमें दिख रहा है कि टक्कर लगने के बाद बाइक और कार में चिंगारी उठी। हवा के आज जिस तरीके से वहां पर तस्वीरें आई, हवा में बाइक के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। चिल्लाते हुए अक्षत के दोस्त गाड़ी के पास पहुंचते हैं, देखा कि वो कार के किनारे बदहवास पड़ा हुआ था और इसी पूरे मामले में मां का दर्द भी छलक। दिल्ली के नबी करीम इलाके में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अचानक अफरा तफरी का माहौल दिखा। पुलिस ने तत्परता दिखाई, 44 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। आग पर काबू पाने में कुछ और वक्त लगेगा। हालांकि घटना में गनीमत ही रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आई। और देखिए अब आगे बढ़ते हुए बात होगी राहुल गांधी की। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, वो मुझे चुप कराना चाहते हैं, वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, अमेरिका के बयानों पर झूठ फैला रही है बीजेपी। सिख भाई बताएं मैंने क्या गलत बोला? राहुल गांधी सिखों को लेकर जो उनका स्टेटमेंट था, इस पर बीजेपी लगातार राहुल गांधी को लेकर हमलावर है। और इस बीच राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट और राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो मुझे चुप कराना चाहते हैं। सिख भाई बताएं कि मैंने क्या गलत किया या मैंने क्या गलत कहा? और देखिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद अब इस मामले में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिल्डर पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी 7 लाख का जुर्माना लगाया है। सोसाइटी में दूषित पानी पीने की वजह से 500 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे और जांच में पता चला कि बिल्डर सोसाइटी में एसटीपी क्रियाशील नहीं है और जांच के दौरान पानी की टंकी भी साफ नहीं मिली। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एसईओ आशुतोष द्विवेदी के मुताबिक अथॉरिटी के जल और सीवर डिपार्टमेंट की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की गई और उस दौरान ये पाया गया कि पानी की टंकियां पूरी तरीके से साफ नहीं की गई। भारत 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आखिरकार पॉल्यूशन विभाग ने 5 करोड़, प्राधिकरण ने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी पर। वहां ये देखा गया कि जो यूजीआर की सफाई हुई उस गंदगी को प्रॉपरली साफ नहीं किए लोग और टाइमली साफ नहीं कर दे रहे हैं और एसटीपी भी क्रियाशील नहीं है। इन कमियों को देखते हुए ईपीपीसी भी ने लगभग 5 करोड़ फाइन किया है और प्राधिकरण की ओर से भी 7 लाख रुपए की फाइन की गई है। और बात अब मणिपुर की करेंगे, जहां मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की बात सामने आई है और राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन चार दिनों से उग्रवादियों की आवाजाही की खबरें मिल रही है और सुरक्षा सलाहकार के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने बताया कि घुसपैठी उग्रवादी ड्रोन, बम, प्रोजेक्टाइल और मिसाइल, साथ ही साथ गुरिल्ला युद्ध में ट्रेंड है और ये 30-30 लोगों के ग्रुप में है और अलग अलग क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास मैतेई गाँवों पर अटैक कर सकते हैं और ऐसे में कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बताते चले कि मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है।
वहीं भारत ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को जीत के लिए 515 रन का लक्ष्य दिया है। चेन्नई टेस्ट में तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 287 के स्कोर पर घोषित कर दी। भारतीय टीम पहली पारी में 376 रन पर ऑल आउट हो गई थी और इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में 149 रन बनाए थे और इस तरह भारतीय टीम को 227 रन की बढ़त मिली। भारत की ओर से दूसरी पारी में शुभमन गिल ने नाबाद 119 और ऋषभ पंत ने 109 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा केएल राहुल नाबाद 22, विराट कोहली 17, यशस्वी जायसवाल 10 और रोहित शर्मा ने 5 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से दूसरी पारी में मेहदी हसन मिराज ने 2 विकेट लिए। नाहिद राणा और तस्कीन अहमद को 1-1 विकेट मिले।